नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फ्लाइंग चैनल पे। यदि आप जेट एयरवेज के चालू होने का इंतज़ार कर रहे थे कि जेट एयरवेज अपनी उड़ानें कब शुरू करेगा, तो फ्रेंड्स यहां पर आपके लिए एक अच्छी खबर आ गई है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में जेट एयरवेज से जुड़ी एक बहुत ही खुशखबरी वाली खबर है जो कि हम आगे आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको नहीं पता तो आपको बताना चाहेंगे कि जेट एयरवेज जो कि पिछले 18 महीने से इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस से गुजर रही थी, उसमें बोली लगाने वाले कार्लॉक कैपिटल और मुरारी लाल जलान ने बोली को जीत लिया था और शर्त के अनुसार बोली लगाने वाले पार्टी को 3 नवंबर तक 150 करोड़ रुपए आशीष छोचरिया जो कि जेट एयरवेज के इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं उनके पास जमा कराना था एज ए सिक्योरिटी अमाउंट, ताकि ये पता लग सके कि ये सच में जेट एयरवेज में इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि इन दोनों पार्टियों की तरफ से यानी कि कार्लॉक कैपिटल और मुरारी लाल जलान ने 150 करोड़ रुपए बीते कल यहां पर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को दे दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 150 करोड़ रुपए एक बहुत ही बड़ी राशि होती है जो कि इन्होंने आशीष छोचरिया को जमा कर दिए हैं। और अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है उस खबर के अनुसार अब जेट एयरवेज बहुत ही जल्दी अपनी उड़ानों की शुरुआत कर सकती है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि ये 150 करोड़ रुपए क्यों ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि ये 150 करोड़ रुपए इस बात की गारंटी देंगे कि जिस पार्टी ने जेट एयरवेज में बोली लगाई है वो सच में जेट एयरवेज में इंटरेस्टेड है और वो सच में जेट एयरवेज को रिवाइव करेगी। यहाँ पर ये 150 करोड़ रुपए नॉन रिफंडेबल होने वाले हैं, यानी कि एक बार जमा कराने के बाद 150 करोड़ रुपए इनको वापस नहीं मिलेंगे। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी सोच समझ कर ही जेट एयरवेज में अपना ये पैसा डाला होगा। फ्रेंड्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जेट एयरवेज में 99% काम हो गया है और बहुत ही जल्दी जेट एयरवेज अब यहाँ पर आसमान की ऊँचाइयों को छूने वाला है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जेट एयरवेज अगले 5 से 6 महीने में अपनी उड़ानों को चालू कर सकता है, जैसा कि मीडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पता लग पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जेट एयरवेज को कई तरह के लाइसेंसेस लेने हैं, कई तरह के स्लॉट्स लेने हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जेट एयरवेज को कई नए एयरक्राफ्ट, मैन पावर और टेक्नीशियन, पायलट्स की भी ज़रूरत होने वाली है। इन सभी कामों को करने में जेट एयरवेज को समय लगेगा। तो यहाँ पर एक अंदाजे के अनुसार अगले 5 से 6 महीने में जेट एयरवेज अपनी उड़ानों को चालू कर सकता है। यदि आप जेट एयरवेज के सच में बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता लग सके कि जेट एयरवेज सच में वापस आ रहा है।